नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम पीयूष, मैं वर्ब इलेक्ट्रिक से हूँ, और योगेश जी फिट इंडिया साइकिल से सोनीपत में जो हमारा स्टोर है। एंड कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा इनको, क्योंकि इन्होंने पहली साइकिल सोनीपत की अपनी सेल करी है। तो हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस जानते हैं योगेश जी का, कि कैसा रहा और कस्टमर की क्या एक क्वेरीज थी और उसका क्या बेनिफिट रहा उसको। ओके, नमस्कार। मैं भी नमस्कार करना चाहूँगा फिट इंडिया स्टोर से। और ये तो पीयूष जी होगा बड़प्पन है जो हमें ये इतना सम्मान दे रहे हैं। बाकी ये जो वर्क साइकिल मैंने संडे को फर्स्ट साइकिल मैंने सेल की है, और 1 वीक पहले ही मैंने इनकी डीलरशिप ली थी, और प्रोडक्ट काफ़ी मेरे को अच्छा लगा, तभी ऑब्वियसली मैंने डीलरशिप ली थी। तो किस्मत से, जैसा कि अभी स्टार्ट हो रखा है, भाई इलेक्ट्रिक साइकिल का क्रेज है काफी, तो हमने फर्स्ट इलेक्ट्रिक साइकिल संडे को सेल की है, वो भी उत्तर प्रदेश शामली में गई है हमारी। वो उनके दादाजी आए थे, उन्होंने अपनी गुड़िया को गिफ्ट किया है। तो गुड़िया 4-5 किलोमीटर की कुछ रेंज में कोई कोचिंग लेती है, तो उसके लिए उन्होंने थोड़ा सा, उनका समय बचे और थोड़ी फास्ट रहे, इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रिक साइकिल को चूज़ किया। आके उन्होंने हमारा प्रोडक्ट देखा और उनको काफ़ी पसंद आया, और उन्होंने टेस्ट ड्राइव भी की, तो काफ़ी अच्छी लगी जो हमने उसके अपनी वर्क साइकिल के फीचर्स उनको दिए। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, और उनको लगा कि ये एक बच्चे के लिए भी यूजफुल है और एक बड़े आदमी के लिए भी यूजफुल है, जिसमें कि आप बुजुर्ग, कोई बड़ा है, हमारा 65 ईयर्स का है, 65 ईयर्स एज है या उससे ज़्यादा भी है, जो स्कूटी या टू व्हीलर रन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है, तो साइकिल की साइकिल है और एक्सरसाइज परपज भी है। आप चाहो तो पैडल से, नहीं तो बैटरी से काफ़ी अपना टाइम और अपनी हेल्थ को आप मेंटेन कर सकते हो। प्लस ये फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अगर मैं छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, कि कोई भी अगर महीने का 1,000 रुपये भी आपका स्पेंड करता है, मतलब पेट्रोल में खर्च करता है, तो तकरीबन तकरीबन 2 साल तक पीयूष जी हैं जो हमारी वर्क कंपनी है, वो गारंटी वारंटी करके 2 ईयर्स तो पीयूष जियो की जिम्मेवारी है, जैसे कि और हमारी भी है। तो तकरीबन तकरीबन आप 24,000 रुपीज का पेट्रोल सेव करोगे, तो ये इकोनॉमिक उस तरीके से भी काफी फायदेमंद है। तो ये काफी एक्सपीरियंस रहा, और एक दो इंक्वायरी हमारी गई हुई है, हो सकता है इस वीक में है, एक दो साइकिल और सेल करेंगे। अच्छा, एक चीज और, उनके दादाजी ने ये बोला था कि ये जो स्कूटी क्यों नहीं दिलवा रहे, सेफ्टी पर्पज से भी। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने एक चीज और बताई हमें कि भाई स्कूटी वो 2-30,000 या 35,000 की साइकिल परचेज कर सकता है, तो स्कूटी दिलाना कोई बड़ी चीज नहीं थी उनके लिए, लेकिन बच्चे की सेफ्टी पर्पज से, क्योंकि स्कूटियां हैं आजकल काफी फास्ट हैं, पिकअप में भी फास्ट हैं, और प्लस बच्चा आज के दिन हेलमेट और सेफ्टी पर्पज से चलना नहीं चाहता है, क्योंकि तो हमारे भी बच्चे हैं, हम भी बच्चे थे, तो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो एज पर सेफ्टी पर्पज भाई मैक्सिमम 22-25 हमारी साइकिल, ये जो वर्क की साइकिल है, ये अचीव करती है, तो काफी सेफ्टी पर्पज से भी काफी अच्छा है और बहुत ही अच्छी चीज है। और बाकी हम तो सजेस्ट करेंगे कि कोई कर सकता है तो उस पर भी हेलमेट यूज करे, तो वो भी बहुत एक सेफ्टी की बिल्कुल चीज। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये एक छोटा सा फीडबैक रहा हमारा और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंड हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हम साथ में मिलके ग्रो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।